स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स कंटेंट्स, ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि हायर प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या मिलता है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है, ये क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो सभी क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। सेकंड है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स जो होते हैं, ये एंजाइम्स जो हैं, ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन के ये जो एंजाइम है, लाइट इंडिपेंडेंट एंजाइम, ये मिलते हैं ओनली इन द स्ट्रोमा। सो ये ओनली स्ट्रोमा में ही मिलेंगे, अदर पार्ट्स में नहीं मिलेंगे, लाइक थायलोकोइड्स। तो जो क्लोरोफिल है, ये थायलोकोइड्स में भी मिलता है। सो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा, एंड सेकेंड वाला ऑप्शन जो है ये राइट होगा। अदर ऑप्शन देखते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स, ये जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स, ये मिलते हैं ग्रेना में। तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। फोर्थ है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं, ये भी मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट में, बट ओनली स्ट्रोमा में नहीं मिलते। तो ये ऑप्शन भी जो है रॉन्ग ऑप्शन होगा। और राइबोसोम्स जो हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेकेंड, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम, जो ओनली स्ट्रोमा में ही मिलते हैं।